हेग में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। पुतिन पर यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया गया है। आरोपों में बच्चों का इलीगल डिपोर्टेशन जैसे गंभीर अपराध भी शामिल हैं। चार्जशीट में पुतिन के अलावा लुवोवा बोलोवा भी तय आरोपी हैं, जो रशियन प्रेसिडेंट के ऑफिस में चिल्ड्रंस राइट कमिश्नर हैं। क्रेमलिन ने हालांकि इस वारंट को टॉयलेट पेपर करार दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पुतिन गिरफ्तार हो सकते हैं? आईसीसी के अरेस्ट वारंट का पुतिन पर क्या और कितना असर हो सकता है? क्रेमलिन ने आईसीसी के आरोपों को इनकार किया है और कहा है कि अरेस्ट वारंट कानूनी रूप से शून्य है, क्योंकि मॉस्को आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता। इसके अलावा रशिया आईसीसी का सदस्य भी नहीं है। पुतिन के अरेस्ट वारंट को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। रशियन लीडर्स ने ललकारते हुए पूछा है कि किस देश में इतनी दम है जो पुतिन को गिरफ्तार कर सकते हैं। आईसीसी के बयान के अनुसार रशियन प्रेसिडेंट बच्चों के इनलीगल डिपोर्टेशन के युद्ध अपराध और यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से रूस में बच्चों के इनलीगल ट्रांसफर के लिए कथित रूप से जिम्मेदार हैं। यह मानने के लिए उचित आधार है कि पुतिन ने दूसरों के साथ संयुक्त रूप से सीधे तौर पर कार्य किए हैं और एक्ट को अंजाम देने वाले सिटीजन्स और मिलिट्री सबॉर्डिनेट पर ठीक से नियंत्रण करने में विफल रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑफ इंक्वायरी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीबीसी ने एक रिपोर्ट में कहा कि इनमें से कुछ बच्चों को रशियन सिटीजनशिप लेने के लिए मजबूर किया गया था और उन्हें पालक परिवारों में रखा गया था, जिसके कारण वो रशिया में स्थायी रूप से रह गए। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है कि 16,221 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें फोर्सफुली रशिया लाया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन अपनी मदरलैंड में सेफ हैं, उन्हें असीमित शक्तियां प्राप्त हैं। इसके अलावा रशिया आईसीसी का सदस्य भी नहीं है। अभी ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है कि क्रेमलिन पुतिन को आईसीसी को सौंप सकता है। जब तक वो रशिया में हैं, पुतिन पर गिरफ्तारी की तलवार नहीं लटक रही है। हालांकि रशिया छोड़ने की स्थिति में पुतिन को हिरासत में लिया जा सकता है, इसलिए उन्हें अपनी यात्रा प्रतिबंधित करनी पड़ सकती है। लेकिन यूक्रेन युद्ध को लेकर उनके खिलाफ इंटरनेशनल सैंक्शंस के कारण यह संभावना नहीं है कि वह किसी ऐसे देश में दिखाई दें जहां उन्हें ऐसी परेशानी का सामना करना पड़े।